अगला सवाल जो है काइनेमेटिक्स का है और सिंपली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. कहा गया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर इज डी देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी. कहने का मतलब यह है कि जिस इंस्टेंट पर वाई कोऑर्डिनेट 32 है उस इंस्टेंट पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें बताना है. ठीक, तो हमें पता है कि अगर इनिशियल जो वेलोसिटी है इसको लिखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में था 3 और वाई डायरेक्शन में था ये 0. ठीक, जो एक्सेलरेशन है ये है 6i प्लस 4j, है ना. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होना चाहिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक, तो यहां पर देखेंगे कि जो s है ये तो हमें पता करना है. s को ऐसे भी लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप. इसी x का जो वैल्यू है वो d है जो हमें पता करना है. y 32 दिया हुआ है. u को लिखेंगे 3 इंटू टी आई कैप, ये रख दिया हमने यू के जगह पर, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 6i प्लस 4j इंटू टी स्क्वायर. ठीक, तो दोनों साइड में x के कॉम्पोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, y के कॉम्पोनेंट्स कंपेयर कर सकते हैं. y जो है यहाँ पर 32 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो y जो है 32 इज इक्वल टू ये j कैप वाला कॉम्पोनेंट में कंपेयर करता हूँ तो उधर कितना आएगा, उधर आएगा हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर. ठीक, तो t का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 सेकेंड. यानी y कोऑर्डिनेट 32 कब था, 4 सेकेंड पर. तो इस इंस्टेंट पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो हमें बताना है. अब x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं. x कोऑर्डिनेट इधर जो है वो है d और इधर है 3t i कैप प्लस यहां देखेंगे हाफ 6t स्क्वायर यानी कि 3i t स्क्वायर, है ना. ये आ गया. तो यहां पर t का वैल्यू 4 हमें पहले से पता है तो क्या करेंगे 3 इंटू 4 आई कैप प्लस आई कैप हटा सकते हैं क्योंकि x डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना. तो 3t का वैल्यू 4 रख दिया, ये हो गया 3t का वैल्यू, यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16. तो 12 प्लस 48 जो कि आ गया 60 मीटर, है ना. तो जो d का वैल्यू पूछा गया है वो आ गया 60 मीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा.